हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक में आज के दिन में काफी सारे स्टॉक में भी आज के दिन में गिरावट देखने को मिला है। ये स्टॉक में भी आज 3.5% का गिरावट देखने को मिला है और अभी जिस हिसाब से सपोर्ट इस स्टॉक में ऑलरेडी टूट चुका है, तो ये स्टॉक में हमें आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए, हमें आगे के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या तो फिर ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे मेरा हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उस बेस पे आप उस स्टॉक को एनालाइज करके अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करके कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करेंगे आज के दिन में, एक कैस्ट्रॉल का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, ये वीडियो जाके देख लीजिए, आज उसका रिजल्ट भी आने वाला है। और ये जो 15 स्टॉक है ना, ये क्वालिटी स्टॉक है, इसका वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए। अभी मार्केट में जिस हिसाब से करेक्शन चल रहा है, ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चलना चाहिए। और कभी भी आपको ये स्टॉक को अगर पार्ट में आपका पोर्टफोलियो में है, फिर भी अगर करेक्शन पे आपका सपोज आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा है, ये स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए। बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है ये सारे। ठीक है, अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आज के दिन में देखेंगे तो आज के दिन में निफ्टी में 1.73% का करेक्शन देखने को मिला है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे HDFC लाइफ में 3.36% का गिरावट देखने को मिला है, जो कि स्टॉक अभी 6.603 के पास में ट्रेडिंग हो रहा है। अगर आज के दिन का अगर इसमें डिलीवरी देखेंगे तो यहाँ पे जबरदस्त डिलीवरी उठाया गया है स्टॉक में। 30 लाख क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है और 15 लाख यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 50% का डिलीवरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इस स्टॉक का हम एनालाइज करेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियली डाटा भी स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे एक लार्ज कैप स्टॉक है जो कि 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका अगर स्टॉक का पीए अगर देखेंगे, अभी भी स्टॉक अभी 109 पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, इतना बड़ा करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक का पीए अभी 109 है। तो यहाँ पे आरओसी की अगर बात करेंगे, यहाँ पे 20% आरओसी है, प्रमोटर होल्डिंग भी 51% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। यहाँ पे डेट बहुत कम है, 0.07% का डेट है, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं है, लेकिन हाई ग्रोथ स्टॉक है। अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 776 है। अगर हम यहाँ पे करंट प्राइस देखेंगे, यहाँ पे 603 पे स्टॉक चल रहा है, स्टॉक में एक अच्छा सा करेक्शन हो चुका है। तो इस हिसाब से ये जो पी यहाँ पे शो हो रहा है 109 है, हाई क्वालिटी स्टॉक है, जहाँ पे स्टॉक का क्वालिटी के हिसाब से उसका पी देने को हर कोई यहाँ पे तैयार रहता है। क्योंकि ये स्टॉक तो ऐसा पी पे कभी भी मिलेगा नहीं कि आपको 50 पे या तो फिर 60 या तो फिर 30 पी पे नहीं मिलेगा। क्योंकि जहां पे क्वालिटी की बात आता है, तो क्वालिटी स्टॉक में पी कितना भी हो जाए तो वो स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे डी मार्ट में भी हमेशा पी हमेशा हायर पी पे हमेशा ट्रेडिंग होता है। पिडिलाइट भी हायर पी पे है स्टॉक की ट्रेडिंग होता है, ये हाई क्वालिटी स्टॉक है। अगर इसी हिसाब से अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में 274 करोड़ का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है प्रॉफिट। क्योंकि लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर अगर बात करेंगे, यहाँ पे 274 था, अभी भी 274 है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्स की बात है, सेल्स में बिल्कुल डिक्लाइन नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से अगर लास्ट 4 क्वार्टर में बात करेंगे तो यहाँ पे 1,168 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे, यहाँ पे 68,772 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है 2-3 साल से ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए स्टॉक में इतना बड़ा सा मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व तो हमेशा ग्रोइंग होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4,700 करोड़ का रिजर्व था, यहाँ पे 6,600 है, इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6,800 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। अभी अगर डेट की बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 600, यहाँ पे मार्च 2021 को यहाँ पे 600 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग है, अभी भी वही बोरोइंग है। प्रमोटर का होल्डिंग भी बहुत बढ़िया सा प्रमोटर होल्डिंग है, 53% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, और यहाँ पे एफआई के पास में 30% का होल्डिंग है, और डीआई के पास में 6% का होल्डिंग है, और पब्लिक के पास में 9% का होल्डिंग है। ये एक अच्छा सा स्टॉक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है, स्टॉक में जिस हिसाब से करेक्शन हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट ये था। अगर आप देखेंगे स्टॉक काफी दिन से ये एक सपोर्ट को हमेशा बढ़िया सा रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन ये सपोर्ट काफी दिन से टूट के फिर यहाँ पे भी एक जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट को भी ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। ये जो सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट को भी ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में एक काफी करेक्शन हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेके अभी अगर देखेंगे, अभी जो क्लोजिंग प्राइस तक एक 22% का करेक्शन हो चुका है, और स्टॉक का पी देखिए कहाँ तक, सॉरी आरएसआई देखिए कहाँ तक आ चुका है ये स्टॉक में।
फ्रेंड्स अगर आरएसआई की हम बात करेंगे, आरएसआई ऑलरेडी अभी 31-32 पे आ चुका है, जो कि ये कभी कभी ऐसा आरएसआई इसमें देखने को मिलता है 30 का रेंज पे, क्योंकि ये हाई क्वालिटी स्टॉक है। ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। अगर आप लॉस में है ये स्टॉक में, तो आपका पोर्टफोलियो में अगर लॉस में है ये स्टॉक है, तब भी आपको होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लॉस में सेल करना है, क्वालिटी स्टॉक है, इसमें कोई भी हमें डाउट नहीं है। ठीक है, मैंने भी अपना पोर्टफोलियो में शायद मैंने यहाँ पे बाय किया था, उसके बावजूद में स्टॉक में करेक्शन आ चुका है 9%, मैं भी अभी लॉस में हूँ। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में से निकाल दूंगा। अगर ऐसे भी सेल करेंगे तो कितना स्टॉक को हम सेल करेंगे, स्टॉक मार्केट का नेचर वही है, स्टॉक हम बाय करने के बाद में 10-15-20% तक नीचे भी जा सकता है, 20-30% तक भी नीचे जा सकता है, लेकिन स्टॉक जब रिकवरी आता है ना, तब जब स्टॉक फिर से एक बार अपना ऑल टाइम हाई भी अचीव कर लेता है, जो सारे क्वालिटी स्टॉक है। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, ये अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो आपको होल्ड करके चलना चाहिए। उसका पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आईसीआई सिक्योरिटी के बारे में देखिए, यहाँ पे आईसीआई सिक्योरिटी ने भी ये स्टॉक में टारगेट दिए हैं, ये लास्ट वीक में 800 रुपये का टारगेट है। ठीक है, और कुछ दिन पहले अगर जाएंगे तो यहाँ पे और एक टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आईसीआई का भी टारगेट है, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और एक ब्रोकिंग हाउस का भी टारगेट था, यहाँ पे देखिए एमके ग्लोबल का भी, यहाँ पे भी एक टारगेट था 2 वीक्स पहले, 880 का टारगेट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में, अपना पोर्टफोलियो में अभी अगर आप कंसिडर करके चलेंगे, अगर ऑल टाइम हाई तक भी लेके चलते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर ऑल टाइम हाई तक अगर अपना टारगेट लेके चलते हैं, जो कि 775 तक, तो आपको ये स्टॉक में एक 29% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये स्टॉक में ज्यादा दिन लगेगा ये 29% गेन देने के लिए। अगर 6 मंथ्स भी लग जाए 29% का गेन है, ये बहुत अच्छा पैसा होता है। ठीक है ना, तो लेकिन कोई भी स्टॉक आप बाय करेंगे, खुद का एनालिसिस पे फ्रेंड्स बाय कीजिए, तो उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्ट होगा स्टॉक को होल्ड करने के लिए। मार्केट सिनेरियो में कभी कभी जब करेक्शन आता है ना, उस टाइम पे अगर खुद का रिसर्च करके आप बाय करेंगे ना कोई भी स्टॉक को, तो आप होल्ड करने का उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टॉक मेरे हिसाब से आप कंसिडर करके चल सकते हैं, कोई भी फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी स्टॉक में प्रॉब्लम होता है, मैं जरूर उस स्टॉक को आपको बोलता हूँ अवॉइड करने के लिए, जैसे कि पेटीएम को मैंने आपको बोला था अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अगर ऐसे सारे हैं फ्रेंड्स, और एक चीज है, अगर कोई स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर कर रहे हैं, तो मतलब उनके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जीरोधा का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके साथ में अगर कुछ भी आपको डाउट है, आप मेरा ये व्हाट्सअप नंबर पर मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।